रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था वहाँ खाना खाने आते थे, बंद होने के बाद खाना दो खाना दो है नहीं है सब दूसरी बहुत बहुत शुक्रिया अनाउंसर साहब ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, बहुत बड़ी बात है, इतनी तारीफ की मेरी। हालांकि ये भी बहुत अच्छे एंकर है, एंकरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इनका, आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? बंदा दिल का साफ है और दिमाग का है, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं। सर आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, ऐसा आपका मानना है, लेकिन आपका काम देखिए हम भी मानने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सामने जितने बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनके माता पिता, गुरु, शिक्षक, परीक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक, उसके बाद भी ताली लेने की कुछ बहसत। ये देखिए ये हेलीकॉप्टर से मोदी जी खुद आए हैं देखने के लिए, और देश के लिए नया कुछ करने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है जो युवा है, आप सब हमारे देश का भविष्य है, और मैं कितना लकी हूं कि अपना भविष्य सामने देख पा रहा हूं। आप सब में हमारा देश का भविष्य है, आप यूथ नहीं चलते फिरते यूथ फेस्टिवल है। बहुत खूबसूरत लोग हैं आप, बहुत ही प्यारे लोग हैं। ये देखो छोटा बच्चा आया है, अब वहां तक पहुंचेगा तो बड़ा हो जाएगा। बेटा वेरी गुड, तू माँ को लेके जा रहा है, माँ तुझे लेके जा रही है, ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेके जा रही है। वाह, रेड कार्पेट से माँ और बेटे दोनों जा रहे हैं, कार्पेट से ज्यादा मेरे पेट का ध्यान रखो, कहीं बैठ जाइए। बाबा शुक्रिया, इनकी कोशिश थी कि आगे बैठ जाए, क्यों नहीं बैठे आप? आज के प्रोग्राम का अध्यक्ष आप ही बोल देंगे हम लोग। मध्य प्रदेश जय हो, जय हो। मध्य प्रदेश के बारे में क्या बोले, अलग अलग नाम है मध्य प्रदेश के, खूबसूरत नाम है। जो जो नेता जीत जाता है वो कहता कि भैया ये जो है झीलों का शहर है, क्या क्या देवर के फैन लग रहे। अच्छा किसी को ले गया है क्या? खबरदार मेरे को मतलब लेके गया तुम, चलो जैसे आए वैसे आप बचाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो, जिसका वोट लाया उसको वापस कर देंगे। क्या सुझाव है आपका? रवि 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 विश्वकर्मा, इनकी बॉडी को देख लेते इतना महंगा नाम कुछ नहीं करते। एक तो रवि, ऊपर से विश्व, ऊपर से कर्मा, और यहाँ कपिल शर्मा। जो लोग हंस नहीं रहे उनको कपिल शर्मा ने भेजा यहाँ, सुनील पाल के शो का हंसना मत है ना। तो मैंने कई बार देखा है, एक बच्चे को देखा आम के पेड़ को पत्थर मार रहा और बार बार कह रहा है धक दिली की निशाना चूक गवा, धक दिली की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु मारा जाए, बच्चे को बोले बेटा धक दिली की मत बोल, ये गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है, लेकिन बच्चा भोपाल का डॉक्टर हो गई जागीर बाबा के प्रिंसिपल साहब के घर का, किसी की बात की ना सुन। फिर मारा पत्थर, धक गिरी की निशाना चूक गवा, ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु चल के राम हो गए, और ऊपर से भगवान की आवाज आई धक गिरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात हो भगवान भी भोपाल का ही होगा, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति भोपाल का भगवान ही है। ये पहला फोटोग्राफर जो मेरी फोटो खींचा है, शाबाश बेटा, आज मेरे सपनों में नहीं आना है।
मेहमान बनाने लगे। भोपाल झीलों की नगरी है, साथ में राजा भोज भी है। राजा भोज भी है, राजा भोज और गंगू तेली। जो मेरे लिए ताली बजाएगा वो राजा भोज, जो नहीं बजाएगा बड़े समझदार लोग हैं। आप लोग खाना खाने बैठे हैं, टेबल पे वेट कर रहे थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। भोपाल कमीशन को हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो भोज होता है। भोपाल कमीशन को हिंदी में लिखेंगे आप भोज होता है। भोपाल मतलब भो और जंक्शन में तो भोज, राजा भोज। एक बार जंगल से गंगू गिरी जा रही थी, शेर ने देख लिया, कहा तो ये बोला कि गंगू तेरी सही वक्त पे आया थी, मेरे भोजन का टाइम हो रहा था, अब गंगू तेरी तू मेरा आज भोज बन जाएगा। लेकिन गंगू तेरी तो गंगू तेरी दिमाग वाला आदमी, उसने कहा मुझे ना खाए महाराज, मैं तो गंगू तेली हूं, तेली हूं, मेरे बदन में तेल ही तेल है। तो शेर भोपाल का ही था, तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरा ऑयली खाने का मूड है, ऊपर से तेली। तो फिर एक काम कीजिए, पीछे मेरी माँ आ रही है उसको खाइए, आपको 100 गुना ज्यादा मजा आएगा। अरे कैसा रे, वो सोते ही नहीं है, उसकी सोते ही माँ थी। वेल, बहुत जल्द फोन दे रहे हैं आप लोग, तीन चार मिनट जा रहे हैं, कौन है, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, ऐसा लगे जैसे अभी कांग्रेस बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। कोई भरोसा नहीं, छोटा बच्चा जो बीच में घूम रहा है तो कहीं से घर से आएंगे, यही पैदा हुआ है, जहां से आया हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डब्बू अंकल के जोरदार तालियां, विदिशा से निकलकर विदेशों में छाया हुआ बंदा, हर बंदा घर के बुजुर्गों को बोल रहे नाचो इनकी तरह। लेकिन डब्बू अंकल ने इतना ज्यादा लोगों के अंदर जोश भर दिया कि आज बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी नाच रहा है, डांस कर रहा है। शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया, डांस कर रहा है। और इन्होंने रिवाज शुरू कर दिया वायरल होने का, अब हर आदमी वायरल होना चाहता है। ऐसे ऐसे लोग वायरल हो गए जिनका आता है नहीं पता है ना ला आता पता ला पता, ऐसे लोग भी वायरल। कैसे कैसे इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इनमें से कोई अंबानी बनेगा, इनमें से कोई शाहरुख खान बनेगा, इनमें से कोई राहुल गांधी बनेगा, और इनमें से कोई राकेश सावंत बनेगा। राकेश सावंत जिस वक्त प्लास्टिक सर्जरी की थी, प्लास्टिक खुद से खुद सरकार के पास गए, बोला हमें बैन कर, हम अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो विदेशों में रहते, विदेशों में आपका नाम है सर, बहुत जोरदार डांस किया आपने, जोरदार तालियां हमारे डांसिंग अंकल संजीव साहब के लिए, इनकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जब भी सर बुलाते रहिए, मेरा कोई गुण नहीं है, सिर्फ मैं बैठे। एक दिन रतन नूरा मुझसे कहने लगे, सुनील मैं शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, प्योर नॉन वेजिटेरियन, सॉरी प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। घर पे जाके देखे तो चिकन खा रहे थे, तो आप शुद्ध शाकाहारी चिकन के बारे, ये तो घर की मुर्गी है। सुनील एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, दो बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और तीन बार कमिटमेंट कर दी तो फिर सारा मेरी कोई नहीं सुनता। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा, तेरे प्यार में है बेवफा इस कगार पे आ गया, तेरे प्यार में है बेवफा इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निवेदन करूंगा सीईओ प्रसाद के लिए सर, और हमारे आखिरी ग्रुप के बड़े सहयोगी जुनेद अली जी से कृपया मंजूर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।